ये लोग आपको पागल नजर आ रहे हैं शायद, ये जो बोल रहे हैं मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम साहब के बारे में कि इमाम मेहदी है, ये जो हेटर्स है जो मुखालिफत कर रहे हैं वो लोग, वो हम पागल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारी बातें हदीसों पे हो रही है, हम हदीस के रेफरेंसेस से बात कर रहे हैं, और कोई हमारी बात ऐसी नहीं है जो हदीस के खिलाफ हो, अस्तगफरुल्लाह, हदीस के खिलाफ हो, हदीस के खिलाफ हमारी कोई बात नहीं है। तो दिक्कत हो रही, पेट में मरोड़ पैदा हो रही कि ये लोगों के कि हदीस के खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं। तो मसला तो यही बन रहा है असली कि हदीस के खिलाफ कोई बात जाए और पकड़े इस चीज़ पर। तो भाई जो चीज़ हमें अल्लाह के नबी ने बताई है, जिस हदीस पे हमें क्लियर होना है, मशरिक वाले हदीस पे क्लियर हो जाओ, समझ जाओगे, रीज़न क्लियर कर लो, अपना बेसिक क्लियर कर लो, मशरिक के हदीसों पे जाओ और समझो ये कौन लोग हैं जो मशरिक से जाहिर हो गए, जो मेहदी की हुकूमत के लिए ज़मीन हमवार करेंगे। भाई समझ जाओ, क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे भाई, क्यों नहीं समझ रहे, समझो चीज़ को, जाओ पढ़ो खुद, फिर आओ, क्लियर होगा, फिर बात करने में मज़ा आएगा। तुम्हें तुम खुद की सोचो, फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला जिस चीज़ पे हम देर बहस कर रहे थे, बहस कर रहे थे, अल्लाह में माफ़ कर दे, अल्लाह पाक हमें, हम बिना वजह के अपने तकबर में ज़बरदस्ती बातों में किसी को हम गलत ठहरा रहे और ब्लेम कर रहे, बिना वजह क्यों कर रहे हैं, समझ ले।